हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उस शेयर की, उस भयंकर शेयर की और इकलौते ऐसे शेयर की जिसका कोई कंपटीटर नहीं है। यानी कि इस शेयर का कोई कंपटीटर नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। और जो हिसाब किताब इस शेयर के अंदर इस समय दिखाई दे रहा है कि लगभग 1175 रुपये का अपना हाई बनाने के बाद ये शेयर कंटिन्यूसली डाउनफॉल के अंदर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 578 रुपये का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये साफ साफ नज़र आएगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो अब ऊपर की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 जून को तो इसने 574 रुपये का लो बनाने के बाद दोबारा से 613 और 620 रुपये का हाई बनाया और फिर वहाँ से टूटता हुआ ये शेयर इस समय आपको 578 रुपये पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी कि IRCTC के उस शेयर की, जो इकलौता एक ऐसा शेयर है जिसका कोई कंपटीटर नहीं है। इंडियन रेलवे ना तो बंद होने वाली है और ना ही इंडियन रेलवे किसी को प्राइवेटाइजेशन के लिए अपने हिस्सेदारी बेचने वाली है। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है कि इसने प्रीवियसली, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किस हिसाब से बहुत ही भयंकर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और आप सभी ने इसका चमत्कार भी देखा होगा क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई थी और उस लिस्टिंग के बाद इसने भयंकर रिटर्न जनरेट करते हुए अपने आप को स्प्लिट भी कर लिया था। यानी कि इसने बोनस शेयर इश्यू किए थे और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं 155 रुपये की इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आती है। और वहाँ से इस शेयर के अंदर आप देखेंगे लगभग 1200 रुपये का ये शेयर अपना हाई बनाता और वहाँ से, ये देखिए, ये है 14 अक्टूबर 2021 का वो शेयर प्राइस जहाँ से कंटिन्यूसली इस समय डाउनफॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कोविड की वजह से अभी तक ये संभला नहीं है। और जैसे जैसे अगर इसके अंदर आप न्यूज़ को देखेंगे तो मैं आपको पहले पूरी की पूरी न्यूज़ बता देता हूँ कि इस समय बहुत बढ़िया टारगेट के साथ इस समय इसके अंदर ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। यानी कि इस शेयर को इस समय आप अच्छी तरीके से लपक सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर न्यूज़ बनती हुई दिखाई दे रही है कि किस हिसाब से IRCTC के अंदर जो धमाकेदार न्यूज़ बराबर आती हुई नज़र आई है। IRCTC लगभग स्टॉक डाउन हो गया 55% तक। और इस समय इसके अंदर जो टाइम की बात की जा रही है कि गुड टाइम टू बाय, डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है कि क्या वाकई में इस शेयर के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट है, कंटिन्यूसली गिरावट है, उसके बाद अब इसके अंदर ख़रीदारी की जो सलाह है वो ठीक है या और ज़्यादा वेट किया जाए। तो डेफिनेटली आप इस शेयर के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हुए नज़र आएंगे। और मैं अगर बात करूँ इस शेयर के अंदर के डेट फ्री वो स्टॉक जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, वो स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरह से IRCTC की जो स्ट्रेंथ है वो आपको इस बात की गवाही देती है कि हाँ, इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। और उसका रीज़न क्या है? इंडियन रेलवे, जी हाँ जी, इंडियन रेलवे जिसका कोई कंपटीशन नहीं है और जिसकी व्याख्या यहाँ पर अच्छी तरीके से की गई है कि आप समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि एक ऐसा बिजनेस जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, इकलौता बिजनेस करने वाला है और जिसके आगे सब कुछ फेल है। जी हाँ जी, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया IRCTC वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1999 की ये, जी हाँ जी। और रेलवे तो उस समय की है जब आप समझेंगे पहली बार रेल की पटरियां बनाई गई थी और वहाँ से ये कंटिन्यूसली इसका जो बजट हुआ करता था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब इंडियन रेलवे का बजट आता था तो किस हिसाब से इसके अंदर बहुत बढ़िया ज़बरदस्त डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई देती। हालाँकि ये शेयर लिस्ट अभी हुआ है रिसेंटली 1.5 साल के अंदर, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं कि इस शेयर के अंदर बहुत बड़ा भारी भरकम अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट कैप आपको इस समय नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसने 432 रुपये का इस समय 52 वीक लो लगाया है और 1280 रुपये का इसका हाई है। इस समय आपको 577 रुपये पर बहुत बढ़िया रीजनेबल प्राइस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपको इससे नीचे मिलता है तो समझिएगा सोने पर सुहागा है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हिसाब से चार्ट इसका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है? एक ही चीज़ दिखा रहा है कि इस घोड़े को आप सवार हो जाइएगा। जी हाँ जी, क्यों? क्योंकि जो प्राइस था बहुत बढ़िया प्राइस था, वहाँ से इस समय इसका जो प्राइस नज़र आता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है वो 52 वीक लो
तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बहुत नीचे इसका प्राइस, जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो प्राइस नज़र आता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, तो वो प्राइस आपको लगभग 8 से 9 महीने पुराना वाला प्राइस इस समय दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के अंदर आप इस समय बहुत बढ़िया पैसा लगा के बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और यही रीज़न है कि इकलौती ऐसी कंपनी जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, जो मैं बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जिसको नंबर वन और नंबर वन ही रहती है, उसके पीछे कोई सेकंड नंबर है ही नहीं। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और की जो आप देख पा रहे हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई गिरावट नहीं है इसके नेट प्रॉफिट के अंदर। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईयरली वाइज ग्रोथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि किस हिसाब से 2021 और 2020 के जो कंपटीशन को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा 190 से सीधा 664 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर FII 2023 की बात करता हूं तो यहां पर आपको इस समय कोई कोरोना की कोई खबर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, तो यानी कि आप समझ जाइए कि अगले जब क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी 2024 के अंदर इसके नेट प्रॉफिट की, तो उस समय आप समझिएगा कि ये शेयर आपको घोड़े की रफ्तार में भागता हुआ दिखाई देगा।